दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीच मैदान में चेन्नई के खिलाफ मैच के दरमियान रोहित शर्मा के साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर पूरा स्टेडियम पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया। तो आखिर रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया? इस मजेदार लम्हे के बाद कैसा था नीता अंबानी का रिएक्शन? कैसे रोहित भी अपने इस वाक्य पर शर्म से हुए पानी? वो मजेदार लम्हा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। ये मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा धोनी के नाम से गूंज रहा था, हर तरफ धोनी की ही चर्चा हो रही थी। चेन्नई की शुरुआत कुछ खास नहीं थी क्योंकि अजिंक्य रहाणे 8 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, तो वहीं रविंद्र जडेजा भी टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान मैच में कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसे हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया, और इस वाकया किसी और के साथ नहीं बल्कि मुंबई टीम के राजा कहे जाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ हुआ। जी हाँ, टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए आकाश माधवाल और उस समय रोहित शर्मा बाउंड्री पर चेन्नई के खिलाफ फील्डिंग कर रहे थे, तभी एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। आकाश माधवाल की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बड़ा शॉट खेला। गेंद काफी तेजी से छक्के की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी चीते की तरह दौड़कर रोहित शर्मा आते हैं और 6 फुट लंबे छलांग लगाकर उन्होंने एक जबरदस्त कैच लपकना चाहा। हालांकि कैच काफी मुश्किल था जो कि नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक चौका जरूर बचा लिया था। बस तभी मैदान में स्लाइड करते समय रोहित शर्मा की पैंट पीछे से उतर जाती है और उन्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं होता है। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने तुरंत शर्म के मारे अपनी पैंट पहनी, तो वहीं ये नजारा देखकर पूरा स्टेडियम हंसने पर मजबूर हो गया। हर कोई अपना पेट पकड़कर हंसने लगा था। वहीं टीम के मालकिन नीता अंबानी भी इस लम्हे पर अपनी हंसी छिपा नहीं पाई, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में फील्डिंग कर चौका बचाया, वो नजारा देखकर हर कोई खिलाड़ी उन्हें सलाम करने लगा था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतर कप्तान और खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए।